अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग सब? आई होप सभी बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। तो जो व्लॉग वहीं से स्टार्ट हो रहा है जहाँ से मैंने कल छोड़ा था, ग्रॉसरीज लेकर हम लोग घर आए। और आते साथ एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि अब जल्दी जल्दी सारी चीज़ों को जो हो जगहों पर संभाल दो, और बस फिर जब तक चीज़ें नहीं ना संभलती आप रिलैक्स नहीं हो सकते। तो यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि फ्रीज़ करने वाली होती हैं, फ्रोज़न होती हैं, और कुछ होती हैं जो आपको फ्रिज में रखनी पड़ती हैं। तो बस जी आते साथ जो है ना ये सारे काम स्टार्ट हो जाते हैं। और चॉकलेट, यहाँ पर चॉकलेट केक जो है वो खाने का बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था, तो जी एक स्लाइस जो है वो ले लिया। और साथ में एज ए स्नैक खाने वाली कुछ चीज़ें थी, सीरियल मेरा ख़त्म हुआ हुआ था वो लिया है, और साथ में घर में जो मैं अपने रूम में फ्रेगरेंस के लिए चीज़ें यूज़ करती हूँ वो भी ख़त्म होने वाली थी, तो मैं एडवांस में ही जो हूँ वो ले आई हूँ। इसके अलावा कुछ वेजिटेबल्स हैं, कुछ फ्रूट्स हैं जो कि लाते साथ ही, मतलब यहाँ पर मैं सारी जो ग्रॉसरीज हैं वो सेट कर रही होती हूँ, और मेलन्स और वाटर मेलन्स जो हैं वो मेरे हस्बैंड ही फ़ौरन कट करके, मतलब उनकी भी ऐसे आदत है कि बस घर आए हैं और आते साथ बैग रखने हैं, चीज़ें सबसे पहले जगहों पर जो है प्लेस करनी है, और उसके बाद बिलीव करें कि मैं अपने शूज़ जो हूँ वो उतारती हूँ, और पहले जो है सारी चीज़ें फ्रिज में बस ऐसे ही भले रख दो, लेकिन ये कि जगहों पर प्लेस कर दो, एक तो मैस नहीं होता है, और दूसरा ये कि चीज़ें अपनी अपनी जगहों पर जो है सारी सेट हो जाती हैं, उसके बाद फिर जो है आप अपने शूज़ उतारें, चेंज करें, और सब कुछ जो है वो फिर बाद में करते हैं हम लोग। तो खैर जी, यहाँ पर ये न्यू रग लाई थी कि भी मैंने जल्दी से जो है साथ ही बिछा दिया, क्योंकि घर जो है वो सारा जाने से पहले आपको पता है मैं सारा साफ करके गई थी, और फ्रिज यकीन करें इतना ज़्यादा जो है वो फुल होता है कि चीज़ें रखने की भी जो है वो जगह नहीं होती है। और फिर नेक्स्ट डे जाकर फिर मैं सारी जो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स हैं उनको सही से प्रॉपर जो हूँ जगहों पर प्लेस करती हूँ। और यूजुअली ऐसा होता है कि फ्रूट्स को तो मैं घर लाते साथ ही वॉश करके वेजिटेबल्स और फ्रूट्स फिर ही फ्रिज में रखती हूँ, लेकिन आज क्योंकि हम लोग तकरीबन शाम में आए थे, तकरीबन हमें रात ही होने वाली थी, और इस टाइम पर भूख भी लग रही थी, और रास्ते से आते हुए हम लोगों ने पिज्ज़ा जो है वो ऑर्डर कर दिया था, और ये हमें बहुत ज़्यादा पसंद है। इतना यकीन करें कि ये मज़े का पिज्ज़ा होता है, हालांकि बिल्कुल प्लेन होता है, और बहुत ज़्यादा जो है वो टेस्टी और मज़ेदार लगता है। और वैसे भी एक दिन जब मेरे हस्बैंड की छुट्टी होती है तो फिर हमारा बाहर का जो खाना है वो ज़रूर होता है, मतलब कि उस दिन फिर जो है वो मेरी छुट्टी होती है। और अभी मैं आई थी यहाँ पर कुछ गार्बेज था वो थ्रो करने के लिए बड़ी वाली बास्केट में बाहर, तो यहाँ पर मैंने सोचा कि चलें जी शाम का बड़ा ही प्यारा सा जो व्यू है वो आपके साथ करते हैं शेयर। और शाम के टाइम मुझे बहुत ज़्यादा माशाल्लाह से अपनी जो स्ट्रीट है वो प्यारी लगती है, और शाम का टाइम वैसे भी इतना ज़्यादा रिलैक्सिंग होता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है, हर तरफ जो है वो शाम के टाइम में, मगरिब के टाइम में स्पेशली एक अलग सी जो है वो खामोशी हो जाती है। यहाँ पर अभी मैंने अपनी मगरिब की जो नमाज़ है वो भी अदा कर दी थी, और अभी बस मैं बाहर आई थी, मैंने कहा चलो जी ये जो कुछ थोड़ा सा गार्बेज है ये भी बाहर थ्रो कर देते हैं, और साथ में शाम का जो प्यारा सा मंजर है वो भी करते हैं एंजॉय। सनसेट को व्यू करना बहुत ज़्यादा जो है वो मुझे अच्छा लगता है। और उसके बाद यहाँ पर वापस आकर मैंने किचन में जल्दी से बना ली चाय, क्योंकि हस्बैंड का दिल कर रहा था चाय पीने का। वैसे भी हमने पिज्ज़ा खाया था, वो थोड़ा सा हैवी हो जाता है, चाय जो है वो पिज्ज़ा के बाद ज़रूर पीनी चाहिए। और साथ ही मुझे यहाँ पर हम लोगों ने अपनी हॉरर मूवी लगाई, और आज मूवी नाइट हमने अपने बेडरूम में ही जो है इंजॉय की। और ये भी स्टार्ट हो चुका है, नेक्स्ट डे का क्लिप है ये, नेक्स्ट डे की जो मॉर्निंग है यहाँ पर वो स्टार्ट हो गई है। और बस सुबह सुबह में हस्बैंड जाने लगे थे लॉन्ड्री ड्रॉप करने के लिए, तो मैंने सोचा कि जितनी भी शीट्स हैं जो वॉश करवाने वाले कपड़े हैं वो सारे भी दे देते हैं, और हस्बैंड और बेटा दोनों गए हैं लॉन्ड्री को ड्रॉप करने के लिए, और वो ड्रॉप करके बस अभी थोड़ी देर में वापस आ जाएंगे। और इनके आने से पहले पहले मेरी कोशिश होती है कि मैं नाश्ता भी बना लूं, और सुबह के जो मॉर्निंग के थोड़े बहुत काम होते हैं वो भी कर लूं डन। पर टीवी जो चल रहा है ये हस्बैंड और बेटा दोनों जो है लिविंग रूम में बैठकर टीवी देख रहे थे, और वो लोग चले गए हैं तो टीवी जो है ऐसे ही चल रहा है। अच्छा, जब रायन ऐसे थोड़ी देर के लिए अपने डैडी के साथ कहीं बाहर चला जाता है तो फिर मुझे मेरी जो रायन से पहले वाली लाइफ है, मतलब शादी के बाद जब मैं यहाँ आई थी और रायन नहीं पैदा हुआ था,
तो मुझे वो टाइम एक दफ़ा ज़रूर जो है वो याद आता है, तब मैं बहुत ज़्यादा मतलब अकेलापन भी फील करती थी। एक तो ये कि नई नई पाकिस्तान से आई थी और माशाल्लाह मेरी फैमिली काफ़ी ज़्यादा बड़ी है और काफ़ी हम लोग घूमना फिरना खाना पीना ऐसी लाइफ थी। यहाँ पर आकर आपकी लाइफ जो है वो चेंज हो जाती है। यहाँ पर भी घूमना फिरना खाना पीना माशाल्लाह आप लोग देखते हैं काफ़ी ज़्यादा है, बट फैमिली के साथ जाना घूमना फिरना कुछ और बात होती है। लेकिन जब मैं अकेली थी तो फिर मैं काफ़ी ज़्यादा डे में जो हूँ बोर हुआ करती थी, फिर मेरे हस्बैंड आते थे तो फिर मुझे अच्छा जो है वो लगता था, वरना सारा दिन इस तरह मैं अकेली ही जो हूँ घर में होती थी। और मुझे ज़्यादा जो काम करने की आदत है वो भी इसी तरह से ही हुई थी कि अकेली होती थी अपने टाइम को किल करने के लिए जो है मैं फिर घर के कामों में मसरूफ़ रहती थी, अच्छे अच्छे खाने बनाने सीखती रहती थी और बनाती रहती थी। मतलब मैंने अपना पूरा जो फोकस है वो इन्हीं सब चीज़ों में जो है वो कर लिया था और बाकी जो टाइम बचा कुचा होता था उसमें बस ये मैं टीवी देख लेती थी और या ज़्यादातर ये होता था कि मैं बाहर ही निकल जाती थी और मैं बीच पर घूमती फिरती रहती थी। और इसके अलावा हमारी जो मेन स्ट्रीट है वहाँ पर काफ़ी सारे स्टोर्स हैं, तब मैंने बहुत ज़्यादा जो है वो शॉपिंग की। बस मेरा यही होता था, शॉपिंग में सारा टाइम जो है वो जाता था, घर के कामों में मतलब मैंने अपनी लाइफ को इस तरह से जो है वो बिजी किया हुआ था। और जॉब जो है, एक तो मुझे खुद भी पर्सनली कोई ख़ास शौक जॉब का नहीं था, ना ही मेरे हस्बैंड को कोई ऐसा शौक है। अक्सर यहाँ पर जो लेडीज़ हैं वो जॉब करती हैं, लेकिन यहाँ की जो जॉब है वो मैंने नहीं की और बस मुझे घर पे ही रहना अच्छा लगता था, क्योंकि मेरे हस्बैंड को भी ज़्यादा कुछ ख़ास पसंद नहीं था और वो यही कहते थे कि बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होती है जॉब यहाँ की, तो तुम्हारे लिए जो है वो काफ़ी मुश्किल रहेगा, तो घर पे रहो ज़्यादा जो है अच्छा है, टीवी देखो और लेट जो हो वो सो के उठा करो। लेकिन मुझे पाकिस्तान में तो फिर भी मैं 9 बजे सो के उठ जाती थी, लेकिन यहाँ पर मेरी रूटीन इतनी सेट हुई हुई है ना कि मुझे जो है वो सुबह ही मतलब 6 बजे 5, 5:30 बजे मेरी जो आँख है वो खुल ही जाती है, ना चाहते हुए भी खुल जाती है। और अक्सर कभी ऐसा होता है कि मैं 6 बजे के बाद फिर दोबारा से सो जाती हूँ और फिर मुझे तकरीबन आधा घंटा सो जाती हूँ या 1 घंटा, इससे ज़्यादा जो है वो सुबह में मुझे नींद नहीं आती। यूएस से आने के बाद मेरी जो नींद है ना वो बिल्कुल गायब हो गई है। अब ये नहीं पता यूएस से आने के बाद हुई है या शादी के बाद हुई है या रायन के बाद हुई है, लेकिन नींद जो है वो जब से मैं यूएस से आई हूँ मेरी यही रूटीन है कि सुबह ही जो हो वो उठ जाओ। तो खैर जी, यहाँ पर मैंने सारा जो किचन है उसको भी बहुत अच्छे से साफ कर दिया है और अगेन आज फिर क्योंकि पराठे बने हैं तो इसीलिए यहाँ पर लैपटॉप जो है वो सारी वॉश हो गई है। और सुबह में फिर मैं थोड़ी देर के लिए कैंडल जो हूँ ज़रूर ऑन कर देती हूँ ताकि जो भी स्मेल वगैरह है वो सारी खानों की जो है वो ख़त्म हो जाए। और उसके बाद यहाँ पर चिकन जो है उसको भी मैंने डीफ्रॉस्ट करके रख दिया है क्योंकि आज है हमारा बारबेक्यू डे, इसलिए चिकन को भी जो यहाँ पर मैंने डीफ्रॉस्ट होने के लिए रख दिया है और उसके बाद इसको जो हूँ मैं मैरिनेट कर दूँगी। किचन को भी सारा जो है मैंने अच्छे से साफ़ सफ़ाई उसकी डन कर दी और यहाँ पर ये किचन के जो टॉल्स हैं वे बिल्कुल ख़त्म हो चुके थे, यहाँ पर मैंने वो न्यू लगा दिए। तो मतलब बस ये सुबह उठते साथ जो है ना एक नॉन स्टॉप कामों का जो सिलसिला है वो शुरू हो जाता है और मैं ऐसा समझती हूँ कि सुबह में ही जो आपके काम डन हो जाए ना वो हो जाते हैं, बाकी फिर जो है जो डे में कोई ना कोई और मसरूफियत रहती है, मेरी तो रहती है स्पेशली जब मेरे हस्बैंड की छुट्टी होती है और बस मेरा होता है सारे काम जल्दी से डन कर दो, उसके बाद फिर सुकून से अपना जो फैमिली टाइम है वो हम लोग इन्जॉय करें, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ी तो यू नो आपकी फैमिली नहीं होती, फैमिली यही होती है हस्बैंड बच्चे और वाइफ। और यकीन करें माशाल्लाह अल्लाह पाक हर किसी को मैं कहती हूँ औलाद दे, इतना ह्यूज डिफरेंस आता है ना बच्चों के बाद आपकी लाइफ में। रायन से पहले मेरी लाइफ बिल्कुल ही बोरिंग थी, मुझे बिल्कुल अच्छा ही नहीं लगता था, लेकिन माशाल्लाह से जब से मेरा बेटा हुआ है यकीन करें दिन का पता ही नहीं चलता। मैं चाहती हूँ कि मुझे थोड़ा सा फ्री टाइम मिल जाए, कोई आधे घंटे के लिए रायन को जो है ले जाए और मैं कुछ अपने जो काम है वो कर लूँ, लेकिन नहीं जी, जब बच्चे हो जाते हैं फिर सिर्फ और सिर्फ आपकी फर्स्ट जो प्रायोरिटी होते हैं वो बच्चे ही होते हैं। तो अगर जी वेदर चेक करें, बाहर जो है हल्की हल्की सी बारिश हो रही है, बहुत प्यारी ठंडी वाली जो हवा है वो चल रही है और आज जो है थोड़ी थोड़ी सी सर्दी भी है। और यहाँ पर जी रायन की जो आइसक्रीम आई थी उसने एक शो डाला हुआ था कि मुझे ये आइसक्रीम जो है वो दें और इसको आइसक्रीम खाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, हालांकि मैं और मेरे हस्बैंड बिल्कुल भी शौकीन नहीं है। तो खैर जी, यहाँ पर आज वैसे तो बन रहा है बारबेक्यू, लेकिन यू नो जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उनको पता है कि मुझे बारबेक्यू के साथ राइस ही खाना अच्छा लगता है, मुझे राइस के साथ बारबेक्यू का कॉम्बिनेशन अच्छा लगता है।
और मेरे हस्बैंड जो हैं उनको ना कोई नान रोटी कुछ भी नहीं, वो बिल्कुल प्लेन जो बारबेक्यू है वो खाना पसंद करते हैं, बट मुझे नहीं खाया जाता है। मैं पाकिस्तान में भी थी तो मैं अपने लिए स्पेशल नान जो हूँ वो ज़रूर मंगवाया करती थी, और यहाँ पर वैसे तो नान थे बट मुझे नान से भी ज़्यादा जो मज़े के लगते हैं वो राइस लगते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा अपने लिए मैं मटर जो पुलाव है वो बनाने लगी हूँ, और साथ में इसके रायता बना लूँगी। हस्बैंड के लिए जो है वो प्लेन रायता जाएगा, और मुझे पर्सनली इन राइस के साथ जो मिक्स वाला रायता होता है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और यहाँ पर जो भी मेरा लेफ्ट ओवर स्पेशल अनियन होता है उसको मैं इस तरह जिप लॉक में डाल के रखती हूँ ताकि फ्रूट्स वगैरह में जो है वो स्मेल बिल्कुल भी ना आए। तो यहाँ पर हस्बैंड का जो रायता है प्लेन वो भी रेडी है, मेरा मिक्स रायता भी रेडी है, थोड़े से मैंने क्यूकम्बर जो है वो काट लिए हैं क्योंकि वो हस्बैंड को अच्छे लगते हैं, और बस यहाँ पर मेरे चावल जो हैं वो दम पर हैं, और हमारा जो बारबेक्यू है वो भी अभी मैं आप लोगों को जाके दिखाती हूँ। और बारबेक्यू जो डे है वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, मतलब बारबेक्यू जो है वो सिर्फ मैरिनेट करने तक का मेरा काम होता है, आगे का सारा जो काम होता है वो मेरे हस्बैंड का होता है। और स्पेशली जब ऐसा ठंडा ठंडा सा वेदर होना फिर उसमें बारबेक्यू करना भी अच्छा लग रहा होता है, और खाना जो है वो तो ऑफकोर्स अच्छा लगता ही है। मज़ेदार सा जो डिनर है यहाँ पर हमने अपना वो इन्जॉय किया, और अभी यहाँ पर टाइम था जी ये जो थोड़े से बर्तन गंदे हुए हैं इनको जल्दी से जो है वो वॉश कर लिया जाए, और बस जो उसके बाद सारा जो किचन है वो साफ़ हो जाएगा। और ये स्टोव पर थोड़े से राइस जो हैं वो गिर गए, इनको भी जल्दी से कर देती हूँ क्लीन। और मेरे किचन में बहुत ज़्यादा मुझे मज़ा आता है काम करने का, साथ साथ जो है आप टीवी इंजॉय करते जाएं और साथ साथ जो है अपनी क्लीनिंग करते जाएं, बहुत ज़्यादा ईजी रहता है। हमारे जो ससुराल वाला किचन है वो भी बिल्कुल ऐसा ही है, इसी तरह से हम लोग टीवी देखते रहते हैं और साथ साथ में अपने किचन में जो है वो काम करते रहते हैं। और आज मुझे बहुत ज़्यादा दिल कर रहा है पाकिस्तान में अपने ससुराल में जाने का, तो खैर जी इंशाल्लाह बहुत जल्द जाएंगे। यहाँ तक का ही था मेरा ब्लॉग, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो फटाफट से लाइक कर दें इस वीडियो को, और जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करना बिल्कुल भी आपने नहीं भूलना है, सामने स्क्रीन पर जितनी भी वीडियोस नज़र आ रही हैं उनमें से किसी को भी क्लिक करें, वॉच करें और इंजॉय करें। अब दे दें इजाज़त, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।